बाप रे, एक दिन में 2000 से लेके 2500 तक के यहाँ पे कुलचे निकल जाते हैं। रास्ता भी हो गया, किसी ने यहाँ पे बाइक भी गिरा दी है। ले लो ले लो ले। इसलिए मशहूर हो रही है दादा क्योंकि ये खिला रहे हैं मिट्टी के प्याले में। वो भाई गुस्से में आ गया क्योंकि उसकी नली में कोई गूदा नहीं था, वो कह रहा है कि नली खाली है। भाई गुस्सा हो गया एकदम। हमारे पास में है पाई की नाल। बर्रा तो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है यहाँ का, बिल्कुल। और संभल कबाब इनकी USP है जो अभी तक लखनऊ में कोई दूसरा इंसान नहीं दे। सब जगह से बेहतर मिलेगा। तो ओरिजिनल कबाब है। इसकी बात लो, मजा आ गया। बहुत ही जूसी है, बिना सॉस के खा रहे हम लोग। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ ज़ीशान और इस समय हम लखनऊ के हुसैनाबाद में, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं लखनऊ की शहरी कैसी होती है। लेकिन आज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में है लखनऊ मिक्स और यूट्यूबर चाय वाले के नाम से फेमस मिस्टर अरशद। आइए, कैसे मिजाज हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बताइए कि आज क्या करने वाले हैं हम लोग शहरी में? हुसैनाबाद इस वक्त काफ़ी मशहूर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक क्राउड ऐसा आ रहा है कि हर शख्स जो पुराने लखनऊ से जुड़ा हुआ है वो इधर भाग के आ रहा है खाने के लिए। भर भर के क्राउड आ रहा है, भर भर के। हर खाना तो हम खा नहीं पाएंगे लेकिन कुछ खाना खाएंगे, कुछ खाना हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ में आज मेरा छोटा भाई भी है। से हाय। 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 शहरी तो कर रहे हैं हम लोग, खाने में क्या क्या चीज़ें खाएंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कबाबची। कबाबची और कबाब क्या स्पेशल है कबाबची में? कबाबची पर चलकर देखेंगे। हमारे हामिद भाई हमारे बहुत ही खास दोस्त हैं हमारे। हाँ। दोस्त क्या कहिए, बड़े भाई हमारे और काफ़ी इंतज़ाम है उनके पास। वहाँ के कबाब काफ़ी मशहूर हैं, देखते हैं किस तरह के कबाब हैं उनके पास। चाहेंगे वेज नॉन वेज सब खाने मिल रहे हैं। लेकिन ये जो कार से आते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कार से आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जगह बहुत कम है और लोग कार अपनी घुसेड़ देते तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और चलते हैं, आ गए हम लोग कबाबची पर। कबाबची भी आ गए। हामिद भाई है और ये कबाबजी के ओनर है। इस समय इनके पास बिल्कुल समय नहीं बात करने का, इन्होंने 2 मिनट नहीं है। ये रमजान का क्राउड जो है वो सभी जगह चल रहा है, वाले की रहमत बरस रही है। सबसे जो मेन मेन डिशेज वो मुझे बता दीजिए आप। हमारे संभल है और चिकन संभल है, चिकन मसंदा है हमारे पास, बर्रा है हमारे पास, क्योंकि हम कबाबची हैं। कबाबची मीन्स द मैनेजर ऑफ द कबाब्स। ओके, तो ज़्यादातर हमारे पास कबाब है, भुटवा कबाब है, काकोरी कबाब है, संभल कबाब है, पसंदा कबाब है, चिकन पसंदा कबाब है। वाह। और कुछ लाहौरी चपली अपली आने वाले हैं जो रमजान बाद शुरू कर पाएंगे इंशाल्लाह। मज़ा आ गया बिल्कुल बिल्कुल। अरशद भाई, अभी जो कबाबची के कबाब थे तो देख के मज़ा आ गया कि इसके अंदर मज़ा आ गया और उसका टेस्ट लेकर अभी हम आपको बताएंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ है, आप देख रहे होंगे कि कैसे गाना गमी मची हुई है। अब हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं, यहाँ पर नाम है इसका चिंग चाइनीज, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगी बिरयानी और कुलचे नहारी खास तरीके से रमजान के लिए। तो यहाँ पे तीन तरीके की चीजें मिलेगी। अगर आपको पाई की नहारी खानी तो पाई की नहारी मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे ख्याल से पाई की नहारी पसंद होती है, क्योंकि अपना अपना टेस्ट है। और उधर बिरयानी निकला है, बिरयानी देखते हैं। जब मौसम हल्का सा ठंडा होता है तो लोग पाई की नहारी खाना पसंद करते हैं। और ये आ चुकी है बिरयानी। और ये पूरी डेग देखिए, इतनी बड़ी डेग, यहाँ पूरी फुल डेग बनती है। बहुत जगह ऐसी डेग होती है कि अलग अलग चावल अलग होते हैं। अच्छा, तीन डेग खत्म हो जाते हैं पूरे दिन में, तो ये एक डेग आप देख सकते हो कि इतनी ज्यादा यहाँ पे सेलिंग है। तो ये अच्छा, ये सेकंड चल रही है, थर्ड क्या इस रात में शहरी के टाइम पे चलेगा? वाह, क्या बात है। और ये हमारी जो है ये भी तीन भगवान आते हैं। अच्छा, तीन भगवान आपका, ये जो नल्ली नहारी है उसके हाँ। भगवान तीन आते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो है हमारी जो गोश्त की नहारी है उसके भगवान सात आते हैं। अच्छा, उसके बाद आप पब्लिक देख सकते हैं। वाह। तो ज़ीशान भाई, इनकी नहारी खास तरीके से इसलिए मशहूर हो रही है दादा क्योंकि ये खिला रहे हैं मिट्टी के प्याले में। ये दिखाना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी अपना एक स्वाद अलग बन रहा है इसके अंदर। तो ये भाई लोग आए हैं। भाई लोग, तुम लोग किधर से आए हो यार? इंदिरा नगर से। बाप रे, इंदिरा नगर यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर है। ये प्रतापगढ़ से आए हो यार? भाई खाली शहरी करने और शहरी करके फिर चले जाओगे? अच्छा, ये मिलने भी आए, लेकिन ये मेन इनका मकसद ये था कि हम यहाँ पे शहरी करेंगे और यहाँ का खाना खाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, आपका खैर मध्यम हमारे लखनऊ में, बहुत बहुत थैंक यू। वो भाई गुस्से में आ गया क्योंकि उसकी नली में कोई गूदा नहीं था, वो कह रहा है कि नली खाली है। भाई गुस्सा हो गया एकदम।
भाई क्या हुआ, तुम्हारी नली में गूदा नहीं है क्या भाई? खाली है क्या नली? भाई नाराज है कि इसकी नली में कोई गूदा नहीं है, इनकी नली में कोई गूदा नहीं बचा है। तो अभी हम लोग जहाँ पे आए हुए, यहाँ पे इन्होंने रोड पे लगा रखे कुलचे बहुत सारे हैं, और एक तरफ यहाँ पे आटे का काम होता है, ये यहाँ पे बेलते हैं। तीसरा स्टेप ये होता है यहाँ पे, ये तंदूर है जो कि इन्होंने ड्रम का बना रखा है। यहाँ पे कुलचा लगाते हैं और दो कुलचे लगते हैं दो जगह, दोनों चीज़ सेम है भाई? एक कुलचा कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि शहरी जब यहाँ पर अभी और भीड़ उमड़ेगी ना, तो ये दो भी कम पड़ जाएंगे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, मैं आकर देख चुका हूँ, मैं 3 बजे आया था यहाँ पर। अगर मैं एक दिन की बात करूँ, एक रमजान के टाइम पे, तो एक दिन में कितने कुलचे निकल जाते होंगे? कितने कुलचे निकाल लेते होंगे दिन में? 2000 से 2500। एक दिन में 2000 से लेकर 2500 तक के यहाँ पे कुलचे निकल जाते हैं, और एक कुलचे को बनाने में मुझे लगता है इतनी मेहनत है, तो 2500 कुलचे किस तरीके से बनाते होंगे? तो कब से तैयारी करते हो आप लोग इसको? ये तैयारी होती है आपकी मान के चलिए वही 10 बजे सुबह। सुबह 10 बजे से? सुबह 10 बजे से होती है। माय गॉड, सुबह 10 बजे से लेकर रात 4 बजे तक? आपके सुबह वही 4:30 तक होती है। मतलब 24 घंटे काम कर रहे हैं आप लोग? 24 घंटे से थोड़ा कम मान के चलिए। हाँ, 24 घंटे में 2-4 घंटे ही कम होते हैं, उसका क्या देखा जाए, 24 घंटे समझ के चलिए आप। अब बता रहा हूं मन में ये आता है कि हम 3 तंदूर कर दें, कस्टमर तक कुलचा नहीं पहुंच पाता है। तो मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग? मन की बात कर रहे हैं आप, मन की बात सुन नहीं रहे हैं। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल आप अपनी मन की बात सुनिए, और जो लखनऊ की जनता जो आपके पास कुलचे नहारी का जायका लेने आ रही है, सबसे अच्छी बात यह है कि हुसैनाबाद ने जो आपने छोटे मामाड़े के सामने ये स्टाफ शुरू किया है कुलचे नहारी का, और खास तरीके से कुल्हड़ में जो आपने मिट्टी की प्याली जो दे रहे हैं आप, तो इसका लुक और जायका बढ़ चुका है, तो इसलिए पब्लिक और आ रही है आपके पास। और मैं अगर बात करूँ, तो अगर आप शहरी करने आ रहे हो, तो आपके पास दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या है? चिंग्स चाइनीज नाम है इसका, चिंग चाइनीज हब। चिंग चाइनीज हब पे मिलता है कुलचे नहारी, जो कि प्याले में मिलता है मिट्टी के, तो आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। लोग देख रहे हो किस तरीके से हमें डिस्टर्ब भी कर रहे हैं उनको, और वो हमें भी कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग दिखाते हैं दूसरा जो चीज़ है कैसा है ये है कुलचे नहारी, और खा के बता दें इसका टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास में है पाए की नहारी, तो आ गया हमारे पास में पाए की नहारी और गोश्त की नहारी। तो हमारे साथ में है अर्शद भाई, तो मैंने सुना कि यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। भाई मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ, पहली बार मैं खाकर जा चुका हूँ, मुझे तो बहुत ही जायकेदार टेस्ट लगा यहाँ का, और आपके मैं आपको लेकर आया हूँ, आप जायका लेकर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करें, शुरू करिए। काफ़ी गर्मा गर्म कुलचा है, क्योंकि इतनी भीड़ होने के बाद काफ़ी देर बाद हम लोग को ये कुलचा मिला। ये लीजिए, और ये अर्शद भाई दौड़ कर लाए खुश। और कुलचे की बात करें तो कई लेयर में कुलचे हैं, ये देखिए भाई। लखनवी कुलचा तो पूरे दुनिया में मशहूर है, जैसा कुलचा यहाँ पर मिलता है शायद ही आपको कहीं मिलेगा। ये कौन सी नारी है? ये है गोश्त की नारी। ये गोश्त की नारी और पाई की नारी? ये पाई। पहले खाएंगे गोश्त की नारी। गोश्त ही देखिए, मैं पाई देखता हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं तो खा के गया हूँ, आप खा के बताइए कैसे। मैं पुणे में इतने दिन था, और सर भाई इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि वहाँ पे टेस्ट नहीं था, सॉरी पुणे वालों, लेकिन यहाँ पे जो लखनऊ की बात है वो मिसिंग है पुणे में। अगर आपको सच में लखनऊ का टेस्ट चाहिए, तो आपको एक बार लखनऊ आके ज़रूर खाना चाहिए कुलचे नहारी। अब मैं खाऊंगा गोश्त की नहारी। आपने पुणे में लखनऊ खानों को काफ़ी मिस किया होगा। बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे तो इतनी याद आ रही थी घर की, और कुलचे की नहारी की कि पूछे मत। जैसे मैं आया लखनऊ से, पुणे से लखनऊ आया, पहले दिन ही खाया मैंने। सच बताइए नहारी कैसी लगी आपको? सच बताऊँ तो मुझे इसको 5 में थे 4.5 देने का पूरा मन है, और मैं इसको 4.5 दूंगा। और सबसे अच्छी बात, काफ़ी ये इको फ्रेंडली है। हम लोग के यहाँ जब गांव वगैरह में होते थे, हम लोग उसमें खाते थे, लेकिन इन्होंने नया ट्रेंड निकाला है, इको फ्रेंडली है। और उससे क्या होता है, जो हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भाई हैं उनका भी फ़ायदा हो रहा है, और हम लोग जो खा रहे हैं बाकी जो चीज़ें होती हैं हम उससे भी बच रहे हैं, एकदम ऑर्गेनिक है, और इसमें हम बहुत मेरे ख्याल से सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, जितना खूबसूरत व्यू हो यहाँ का, उतना ही जायकेदार खाना है यहाँ पर। और भैया रोज़े के बाद आप किसी टाइम भी आ सकते हैं। और मैं पीसेस की बात करूँगा, तो ये देखिए पीसेस, वाह, इसके पीसेस की बात करें
मजा आ गया पाई की नहारी। और मेरा भाई बहुत देर से वेट कर रहा था पीछे कैमरा पकड़ के, है ना। ये हमारा छोटा कैमरा मैन है, काफ़ी मेहनत कर रहा था तो मैंने कहा तुम बैठ कर खाओ। जो गोश्त की नारी है वो ज़्यादा जायकेदार है एज कम्पेयर टू नली वाली। आप लोग तो हिंदी बोल रहे हो ना, कुछ चाइना में बोलो, चाइनीज में बोलो। कुलचे नहारी के बाद अब हम आपको लेकर चल रहे हैं, वो ये ऐसा सेशन है यहाँ का जहाँ पर आपको चिकन फ्राई और चिकन के सारे आइटम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमको चलकर देखते हैं कि किस तरह का जायका दे रहे हैं यहाँ पर हुसैन आबाद। अब काकोरी स्पेशल में क्या है इनके पास में इन बात करते हैं तो काकोरी से क्या रिलेट कर रहे हैं इसको आप? अच्छा, आप लोग काकोरी के रहने वाले जी, इसलिए ओरिजिनल काकोरी सीख कबाब से बनाते हैं। अच्छा, तो बाकी अगर हम कबाब की बात करें तो कितनी वैरायटीज हैं आपके पास कबाब? वैरायटीज तो भाई बहुत सी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ये काकोरी सीख कबाब मटन का भी है, चिकन का भी, रेशमी कबाब है। अच्छा, चिकन का भी कबाब? जी, चिकन का भी कबाब है और पसंदीदा कबाब भी बनाते हैं, बाकी रोस्टेड है, चिकन टिक्का। मतलब आप कबाब फेमस हो यहाँ? जी जी, कबाब से चलता है। जी, कबाब से। शादी वगैरह में भी ऑर्डर लेते हैं आप लोग? शादी में भी ऑर्डर होते हैं। वाह, मेरा यही है। कहाँ पे है नंबर? ये है यही भाई, पकौड़े कर दिए। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो जो लखनऊ का जो छोटा इमामबाड़ा आप देखते हो, अंधेरे में इस टाइम दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके जस्ट अपोजिट ये देखिए, उसके सामने। तो अभी इन्होंने अपनी कबाब की इतनी तारीफ करी तो हम देखते हैं कि सच में इनके वाकई इनके कबाब में कितना दम है। स्पेशल चटनी है, स्पेशल किस चीज़ की बनी है? ये धनिया मिर्ची टमाटर और दही। ओके, लवली, खुशबू अच्छी लग रही है। खुशबू शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं। और इसको कितना टाइम लगता है आपको बनाने में? महक एकदम लाजवाब है, 2 मिनट में ये रेडी हो जाता है भट्टी पे। भाई अगर आपको अलग अलग तरह के कबाब खाने हैं, वैसे तो हाँ यहाँ बहुत फेमस कबाब हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, टुडे कबाब भी है और मुबीन के भी शायद मिलते हैं। जी जी, लेकिन अगर आप हुसैनाबाद में हो, अगर हुसैनाबाद में सैरी करना चाहते हो तो छोटे इमामबाड़े के सामने भी कबाब बहुत लाजवाब लग रहे हैं। और आप अल्हम्दुलिल्लाह ये आप टेस्ट करेंगे सब जगह से बेहतर मिलेगा। वाह, कबाब वाकई लाजवाब है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी तक सीख कबाब बहुत खाए लेकिन थोड़ा अलग टेस्ट है इसका लग रहा है मुझे। स्पेशल काकोरी का देखिए, कबाब तो सबके अच्छे होते हैं लेकिन ये होता है कि आपको अलग क्या मिल रहा है, लेकिन इस कबाब में आपको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर मिल रहा है और जो इनके मसाले इसके अंदर पड़े हैं वो भी बहुत ही चुन चुन के पड़े हुए हैं। क्या मसाले खुद बनाते हो आप लोग? जी जी, हमारे घर का मसाला है। वाओ, अब इसके अंदर थोड़ा सा लेमन डालेंगे तो मेरे ख्याल से और टेस्ट बढ़ेगा। लेमन डालिए। काकोरी के कबाब काफ़ी फेमस हैं पूरी दुनिया में। आप भी काकोरी के हैं? स्पेशल तभी तो लाजवाब जायका काकोरी का इनका हाथ में है। इनके हमारे घर का बहुत पुराना काम। अच्छा जी, कितने पीढ़ी आप लोग काम कर रहे हो? ये हम लोगों को तो करीब जो है मेरे दादा, हमारे परदादा से ये काम। यानी आप तीसरी पीढ़ी हैं? जी, तीसरी पीढ़ी। और कैमरे अच्छे से पकड़ना, वैसे जो कैमरा पीछे से पकड़ता है यही है जो पीछे कैमरे के पीछे रहता है प्लेबैक। चेहरे में मत जाइए, काफ़ी ज़्यादा गोरा है, मैं काला हूँ। ये हो गए टेंशन में? हाँ, टेंशन में मैं काला हो गया हूँ। है ये मेरा सगाई भाई है। क्यों सगे भाई हो? जैसे हमने बताया कि कबाबची बहुत ही फेमस है और यहाँ के जो लोग हैं, हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ लोगों से रिव्यू लेते हैं। कबाबची की बुनियाद हमारे सामने रखी। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पहले दिन से जायकों को लेकर जो डिस्कशन होता था, हाँ। हमारे हामिद साहब खड़े हैं यहाँ, ठीक है, तो हम लोगों ने मिल करके किया। अच्छा, हमें खाने का शौक है, उनको खिलाने का शौक है। क्या बात है, क्योंकि ये केटरिंग बिजनेस में है। अच्छा, केटरिंग भी आप करते हो यहाँ पे? वाह,
कमर्शियली ये केटरिंग बिजनेस में है और वहीं से इन्होंने जो है इस चीज़ को शुरू किया और ये अपने जायके सबको खिला रहे हैं। लखनऊ शहर में एक डिसेंट जगह जहाँ पे आ करके आप फैमिली के साथ नौश फरमा सकते हैं, लखनऊ अंदाज का मुगलई खाना जो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। क्या बात है, ठीक है, जो भी जितनी भी वैरायटीज हैं लखनऊ में सब लोग दे रहे हैं। हाँ। लेकिन एक बार आप जब यहाँ पे आप खा लेंगे तो हमें लगता है कि आप वीक में एक बार जरूर आएंगे। तो इसे क्या चीज सबसे यूनिक बनाती है, इसको क्या अलग देती है? इन्होंने संभल का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। संभल, संभल कबाब का। वाओ, ठीक है, ये क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ करिए आप। जैसे आपके लखनऊ में काकोरी कबाब चलते हैं ऐसे ही संभल के कबाब, उसका जो विजन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है। इन्होंने उस टेस्ट को जो है लखनऊ में इनसे तारुफ कराया गया। उसके बाद ये जो बर्रा खिला रहे हैं, बर्रा वो अभी तक लखनऊ में ऐसा कोई नहीं खिला पा रहा। क्या बात है, सबसे मतलब हटके टेस्ट है यहाँ पे। बर्रा तो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है यहाँ का, बिल्कुल। और संभल कबाब इनकी यूएसपी है जो अभी तक लखनऊ में कोई दूसरा इंसान नहीं दे रहा। बाकी आपको क्या फेवरेट है आपके यहाँ पे? भाई हम यहाँ आते हैं और एक एक प्लेट सब कुछ खाते हैं। वाह क्या बात है, ऐसी चीज नहीं जिसको हम छोड़ते हो। इन्होंने भी हाल फिलहाल में नया जो है ये डिश शुरू करी है। ये लखनऊ में शायद एक ही आज जगह थी जिसे हम लोग खिचड़ा कहते थे, ठीक है, वो एक ही आज जगह मिलती थी, अब इन्होंने यहाँ शुरू करी है। अच्छा। बहुत लजीज और बहुत जायकेदार है, ठीक है, इसको खाइए आकर के और यहाँ का लुक उठाइए। हेलो, ये हमारे हामिद भाई फिर से मिल रहे हैं हम लोग। ये कैमरा कॉन्शियस नहीं है, इनको कैमरे में रहना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ही अच्छे पोर्शन यहाँ पे देखो, वाह, मेरे ख्याल से ये पुराना है, इसको रेनोवेट किया गया ना, पूरी बिल्डिंग को रिस्टोर करा है, रिस्टोर किया गया है, ये नवाबों के टाइप से। सबसे इसकी अच्छी बात है जो कि आर्किटेक्चर की बात करें तो ये देख रहे होगे ये पोर्शन जो मुगल्स टाइम पे, जो नवाब के टाइम पे होते थे वो पुराने आर्किटेक्चर हुआ करते थे, इसी को इन्होंने रिस्टोर किया, रिफॉर्म कर दिया। रिफॉर्म के बाद यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे झूमर लगाए हुए और जो ये फील दे रहे हैं बहुत ही यूनिक दे रहे हैं और कुछ अलग रॉयल जो होता है ना, रॉयल फीलिंग। एक लखनऊ जो आप कहें लखनऊ पर है वो उस पर दिखाया जा रहा है पूरा, कि किस जिस तरह से पुरानी सजावट होती थी लखनऊ की, वही लुक इस रेस्टोरेंट में दिया गया है, लखनऊ का अंदाज दिया गया है। और ये हमारा पसंदा नहीं संभल, संभल काकोरी तो आपने बहुत खाया होगा, ये है संभल के कबाब, मटन कबाब है। अभी इनको टेस्ट करते और फिर बताते हैं कैसे। यार इसकी खुशबू ही एकदम अलग होती है, पता नहीं कौन सा मसाला इसके अंदर डाल रहे हैं ये लोग, लोग खींच के आ रहे हैं इनकी तरफ। वाह, लेट्स हैव ट्राई, मुझसे रुका नहीं जा रहा है निशान भाई। लेट्स हैव ट्राई, क्या पहली बाइट लेकर दिखाते हैं आपको कैसा जायका है इसका संभल का। मैं इससे पहले भी कई बार खा चुका हूँ, निशान भाई के साथ पहली बार खा रहा हूँ। एक अलग तरीके का जायका है इसका, बहुत ही जूसी है, बिना सॉस के खा रहे हैं हम लोग। अब मुझे नहीं लगता कि सॉस की ज़रूरत है, सॉस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, काफ़ी चटपटा मसाला पहले से इसके ऊपर डाला हुआ है, आप सॉस को चटनी की ज़रूरत बिल्कुल आपको नहीं पड़ेगी इसके साथ। ये कुछ शहरी की डिशेज जो आप यहाँ पे आके खा सकते हो, ये है कबाबची जो कि छोटे इमामबाड़े की जस्ट एकदम सामने, एकदम सामने। और आइए यहाँ पे लुत्फ लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये कबाब ज़रूर अच्छा लगेगा। थैंक यू, क्योंकि भर भर के डाल रहे हैं अपनी मोहब्बत इन कबाबों में, मोहब्बत के साथ बटर भी लगा रही है। बहुत जायकेदार कबाब है यहाँ के, बहुत जायकेदार कबाब, मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया कबाबची वाले को जिन्होंने हमें ये ऑफर दिया और इन्हें बुलाया, और ये लोग जा रहे हैं और हम तो खा रहे हैं, हम लोग इसको जा रहे हैं, हम बीटीएस पे खा रहे हैं, बीटीएस डाल देंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई चीज़ के नए ब्लॉग में, तब तक देखते रहिए अम्मा मियां। ओके, बाय बाय।